50 उम्मीदवारों ने जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की, नहीं तो सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दी। उर्दू बंगला टीटी पास उम्मीदवारों ने आज राजधानी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उर्दू बंगला टीटी उम्मीदवारों के रिजल्ट प्रकाशन की मांग की। उर्दू बंगला टीटी उम्मीदवारों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करना चाहा तो पुलिस ने उन्हें गर्दनी बाग भेज दिया। अध्यक्ष हसन रजा ने बताया कि पिछले 7 साल से हम लोग अपने रिजल्ट की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी ओपिनियन मांग लिया गया, फिर भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। उम्मीदवारों ने जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की, नहीं तो गर्दनी बाग में ही सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दी। मंत्री के आवास का हम लोगों ने आज घेराव किया। नौका झोंकी होने के बाद एसपी साहब हमें गर्दनी बाग लेकर के आ गए कि आपको शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता करवाया जाएगा। लेकिन हमारे मुख्य मांग यही है कि 7 सालों से उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करके बिहार सरकार ने 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन मेरे ऊपर में मंगवा लिया गया जो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया, और डायरेक्टर का 5% कट ऑफ मार्क्स कम कर करके वो लेटर भी निकल गया 3 साल पहले ही। उसके बावजूद भी उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी जनरल टीईटी उम्मीदवारों को 50% पे पास किया गया और उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों को मुस्लिम समझ करके 60% पे पास करके 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। अब बताएं 7 सालों से लोग रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक आश्वासन ही दे रहे हैं। अब तो उम्र भी लोगों की ख़त्म हो रही है, फांसी और डिप्रेशन से लोग बहुत सारे उम्मीदवार मर भी गए। अब क्या करें उम्मीदवार, आप ही खुद बता दें कि अब उम्मीदवार क्या करें। 7 सालों से रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पास करके नहीं फेल किया गया। जब ओपिनियन मंगवा लिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन आ गया विद्यार्थियों के पक्ष में, जब डायरेक्टर का 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके वो लेटर निकल गया, फिर रिजल्ट जारी होने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? एक ही राज्य में दो तरह का क्यों कानून हो रहा है? हिंदू भाइयों के लिए आपने 50% से आपने पास किया है और मुस्लिम भाई के लिए आपने 60% रखा है और वो भी पास करके आपने 12,000 को फेल कर दिया है। ये कैसा इंसाफ है? ये क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि अब तो उम्र खत्म हो रही है, 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके पूरे बिहार के उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करें, नहीं तो आत्महत्या करने पे 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर हम मजबूर होंगे और हमारी लाशों के साथ वो बिहार सरकार खेल करेगी। शिक्षा मंत्री से आप नहीं मिलने दिया गया, अब आप क्या करेंगे? शिक्षा मंत्री से मिले, हम 48 घंटा के अंदर मिलेंगे, चाहे जिस हाल में हो, जैसे हो, ईंटा खा करके हो, पत्थर खा करके हो, लाठी गोली के बलबूते हमारी आवाज को हुकूमत दबा नहीं सकती है। और ये लाठी गोली की सरकार है, मुसलमानों को मुस्लिम समझ करके 12,005 लोगों को फेल किया गया है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।